आज हम सब लोगों ने एक खबर पढ़ी। उस खबर को पढ़ने के बाद हम सबका सर शर्म से झुक गया। आखिर एक मानव इतना अमानवीय व्यवहार कैसे कर सकता है। केरल के मलापुरम डिस्ट्रिक्ट में एक मनुष्य ने एक हथनी को, जो कि गर्भवती थी, उसको खाने के लिए अनानास दिया। उस अनानास में उसने बम रखा था। जैसे ही वो हथनी उस अनानास को खाती है, उसमें रखे बम से विस्फोट होता है और उसका मुंह जख्मी हो जाता है। उस दर्द से वो कराह उठती है और दर्द से निवारण के लिए वह विलियार नदी के पास पहुंचती है। उसे लगता है शायद यह नदी उसकी पीड़ा को हर लेगा। लेकिन जब उसे यह एहसास होता है कि अब उसके दिन बहुत नहीं बचे हैं, तो वह उस नदी में ही जल समाधि ले लेती है। ये मेरा कहना नहीं है, ये फॉरेस्ट ऑफिसर मोहन कृष्णन ने अपने लेख में लिखा। 27 मई की ये घटना इतनी हृदय विदारक है कि हम लोगों को झकझोर रही है कि आखिर एक मानव ऐसा कार्य कैसे कर सकता है। क्या उसकी वो सोच रही होगी जिससे उसने एक हथनी को चोट पहुंचाई? शर्म आती है। यहाँ पर मैं विष्णु पुराण की एक कथा सुनाना चाहता हूँ आपको। उस कथा का आज के दौर पर मर्म समझिएगा, तब शायद आपको ये समझ में आए कि मनुष्य पर आ रही आपदा कहीं ना कहीं इसका कारण है। तो कथा ऐसी शुरू होती है कि गजेंद्र नामक एक हाथी रहता है। गजेंद्र मतलब गज प्लस इंद्र, हाथियों का राजा। वह जिस जंगल में रहता है वहाँ पर शाकाहारी पशुओं को वह सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि मांसाहारी पशुओं से शाकाहारी पशुओं को बहुत खतरा रहता है। लेकिन उस गजेंद्र हाथी कारण मांसाहारी पशु शाकाहारी के पास नहीं पहुंच पाते जिनसे वो सुरक्षित रहते हैं। इस वजह से वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी उसका बहुत सम्मान करते हैं। एक बार ऐसा होता है कि वह अपने परिवार के साथ गंडक नदी के तट पर जाता है और वहाँ पर पानी पीता है। उसका पूरा परिवार पानी पीकर बाहर निकल जाता है, लेकिन गजेंद्र हाथी उस पानी के अंदर ही रह के स्नान करने लगता है। उसी दौरान वहाँ पर एक मगरमच्छ आता है और वह मगरमच्छ उस हाथी के पैर को पकड़ लेता है। हाथी और मगरमच्छ में बहुत ही भीषण युद्ध चलता है। पुराण के अनुसार यह युद्ध कई वर्षों तक चला, लेकिन मगरमच्छ चूँकि पानी का जीव है, उसके कारण उसकी शक्ति पानी के अंदर बहुत ज़्यादा थी। हाथी पानी के अंदर उतना शक्तिशाली नहीं था। जब गजेंद्र हाथी को यह लगता है कि वह यह युद्ध हार जाएगा, वह अंतिम समय में भगवान विष्णु को याद करता है। भगवान विष्णु उसकी पीड़ा सुनकर आते हैं और सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का गला काट देते हैं और हाथी को सकुशल बाहर लाते हैं। यह घटना आज के दौर पर जरा आप इसको सही तरीके से समझिए। अगर हाथी को इस पूरे पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं, पक्षियों और वृक्षों से तौलें और उस मगरमच्छ को हम मनुष्यों से तौलें, तो आपको यह साफ दिखाई देगा किस तरीके से मानव इन जीव जंतुओं के रहने के अधिकार को नष्ट करता जा रहा है। हम हमेशा यह रोते हैं कि प्रकृति हमारे साथ इतनी निर्मम क्यों है। वो निर्मम इसलिए है क्योंकि उसके अन्य बेटे बेटियों को तुम इस तरीके से मार रहे हो, तो वह तुम्हें सम्मान नहीं देगी, वह तुम्हारा भी खात्मा उसी तरीके से करेगी। प्राकृतिक आपदाओं में मर रहे मनुष्य, उसके पीछे का कारण यही है कि हम लगातार पेड़ पौधे पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखने की बात आती है तो हम बहुत ही लंबे चौड़े भाषण लिखते हैं, चाहे वो अमेजन के जंगलों में लगी आग हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग हो, चाहे वो भारत के उत्तराखंड में लगी हुई आग हो, हम बहुत ही लंबे चौड़े लेख लिखते हैं कि पशुओं को बचाओ, वृक्षों को बचाओ। लेकिन जब उन्हें बचाने का समय आता है, उस समय हम इतने अमानव हो जाते हैं। क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा कि उसने एक गर्भवती हथनी को, जो खाने की तलाश में भटक रही थी, वह पहुंचती है और उसको अनानास के अंदर बम रख के दे रहे हो? क्या दिमाग में चल रहा है? जब एक छोटा बच्चा जानवरों को हानि पहुंचाता है तो हम उसे समझाते हैं। हम सभी ने बचपन के दौर में कभी ना कभी जानवरों को परेशान किया है, लेकिन हमें फिर शिक्षा दी गई कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं वो कार्य कहीं से सही नहीं है। और फिर जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, हम पशुओं, पक्षियों और वृक्षों के साथ वही प्रेम करते हैं जो हम इंसानों के साथ करते हैं। हम हमेशा शोक मनाते हैं कि इंसान की मृत्यु हो गई, इस तूफान में इतने मनुष्य मरे, उस बीमारी से इतने मनुष्य मरे, 3 लाख से अधिक लोग कोरोना से मर गए और हम लोग उनका शोक मना रहे हैं। मनाना भी चाहिए, लेकिन
उन 5 करोड़ 10 करोड़ जीव जंतुओं और वृक्षों का क्या जिनको अपने स्वार्थ के लिए हमने मारा, जिनको अपने स्वार्थ के लिए हमने काटा? क्या उनके अंतरात्मा से निकली हुई हाय हमें नहीं लगेगी? जो उन्होंने श्राप दिया क्या वो हमारे ऊपर नहीं आएगा? हम मनुष्य हमेशा सोचते हैं कि हम इस पूरे पृथ्वी के मालिक हैं, हम जो चाहें वो करेंगे, हम जिसको चाहें उसको नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आपको अपने शक्तिशाली और अपने पावरफुल, अपने इस पूरी सृष्टि को कंट्रोल करने का दंभ है, तो आप वियोजर वन, जो कि मनुष्य द्वारा ही भेजा गया एक अंतरिक्ष यान है, उसके द्वारा अंतरिक्ष के छोटे से दूरी पर ली गई इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको छोटा सा नीला बिंदु दिखाई देगा, वो हमारी पृथ्वी है। और यह चित्र सिर्फ अपने सौर मंडल के अंदर ही लिया गया है, बहुत दूर से नहीं लिया गया। तो जब आपकी और हमारी पृथ्वी की ये छोटी सी औकात है इस पूरे ब्रह्मांड में, तो उस पृथ्वी में रहने वाले मानव की औकात कितनी होगी, ये आप समझ लीजिए। पेड़ पौधों पशु पक्षियों को लगातार नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, क्या आपकी सोच है? और क्या ये हम सब क्या कर रहे हैं? यही चीज अगर चलती रही तो हम अभी अभी तो कई सारे रोगों को देखना बचा है। अभी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जिस तरीके से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में ऐसे वायरस, ऐसे जीव जो कि आज से 2 करोड़ साल पहले पृथ्वी के ग्लेशियर में दबे हुए हैं, वो जब बाहर आएंगे तो उनके द्वारा किया गया विनाश हमसे झेला नहीं जाएगा। हम कब उन विनाश की लीलाओं में अपना अस्तित्व खत्म कर लेंगे, ये हमें समझ भी नहीं आएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिए, प्रकृति ये नहीं देखती कि उसने किया केवल उसे सजा दी, वह सबको समान रूप से सजा देती है। 17 करोड़ साल तक डायनासोर का इस पृथ्वी पर राज था, मनुष्य को तो अभी 1 लाख साल भी नहीं हुए। 17 करोड़ साल तक उन्होंने राज किया इस पृथ्वी पर, लेकिन एक छोटा सा उल्का पिंड उनको इस पूरे पृथ्वी से खत्म कर दिया। तो प्रकृति हमें खत्म करने पर आएगी तो वो नहीं सोचेगी कि इन्होंने किया उन्होंने नहीं किया, वो सबको समान रूप से खत्म करेगी। हम, आप, बाकी हर कोई एक झटके में इस पृथ्वी से गायब होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये दंभ है कि इस पृथ्वी को हम नियंत्रित करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरीके से घूम रही है, अगर वो घूमना बंद कर दे तब भी मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मनुष्य है क्या? एक छोटा सा जीव इस पूरे ब्रह्मांड में, उसका अस्तित्व किसी को पता भी नहीं कि है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर घमंड रहता है कि हम सब नियंत्रित कर लेंगे। ये हृदय विदारक घटना अंदर तक झकझोड़ रही है, समय रहते संभल जाओ मनुष्यों, वरना आने वाला समय तुम्हारे लिए इतना कष्टकारी होगा, इतना कष्टकारी होगा कि वो तुमसे झेले नहीं झिलाएगा। तो समझो और सही तरीके से क्रियाएं करो जिससे ये सभ्यता आगे बढ़ जाए, वरना कई सभ्यताएं पहले की नष्ट हुई, कई सभ्यता आने वाली भी नष्ट होगी। तो हम हमेशा नहीं रहेंगे, हम कभी न कभी इस धरती से जाएंगे ज़रूर। तो सोचिए और सही तरीके से अक्ल लगाइए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप ये क्या कर रहे हैं।